हार्दिक पांड्या ने युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़कर रच डाला है इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हार्दिक पांड्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK स्पोर्ट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिरकार हार्दिक पांड्या ने किस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही आपको भी लगता है T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या इसी तरह के घातक रूप में नजर आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार को एजबेस्टन में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में अपने ऑलराउंडर खेल से इतिहास रच दिया। हार्दिक ने बल्लेबाजी में अर्धशतक जड़ने के बाद गेंदबाजी में भी 4 विकेट झटके हैं। वह पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक ही T20 इंटरनेशनल मैच में अर्धशतक जड़ने के बाद गेंदबाजी में भी 4 विकेट चटकाए हैं। भारतीय टीम के लिए टॉप स्कोरर रहे हार्दिक पांड्या ने 33 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 51 रन की धमाकेदार पारी खेली है। इसके बाद गेंदबाजी में धमाल मचाते हुए जेसन रॉय, डेविड लियाम लिविंगस्टोन और सैम करन को अपना शिकार बनाया था। एक ही T20 मैच में भारत के लिए बेस्ट ऑलराउंडर प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड इससे पहले युवराज सिंह के नाम था। युवराज ने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ मोहाली में खेले गए मैच में नाबाद 60 रन की पारी खेलने के साथ साथ गेंदबाजी में 23 रन देकर 3 विकेट लिए थे। मुकाबले की बात की जाए तो इंग्लैंड ने 148 रन पर ही ऑल आउट हो गए और भारत को 50 रनों से जीत के साथ मैच में 1-0 की बढ़त के साथ हासिल की है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 19 ओवर 3 बॉल में ही 148 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। पांड्या को उनके शानदार खेल के लिए प्ले ऑफ द मैच चुना गया था। तो दोस्तों आज की अपडेट में बस इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही आपको क्या लगता है भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगी या नहीं, आप अपनी महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।